इतनी सारे प्रोडक्ट, गेस करो कौन से ब्रांड के हैं। तो दीज आर फ्रॉम मार्स। आज हम करने वाले हैं फुल फेस ऑफ मार्स प्रोडक्ट मेकअप। ढेर सारे प्रोडक्ट हैं मेरे पास, तो स्टार्ट करते हैं स्किन क्लीनिंग से, क्योंकि हमारे स्टेप्स में होते हैं क्लिनजिंग, टोनिंग एंड मॉइस्चराइजिंग। क्लिनजिंग करेंगे जो कि है मेरे पास मार्स का। ये मार्स का है मेकअप रिमूवर वाइप्स, इससे हम अपने फेस को क्लीन करेंगे। और ऐसे भी मार्स के मैं प्रोडक्ट्स यूज़ कर रही हूँ, तो ये जो ब्रांड है ना, ये बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल है। कह लो तो सारे प्रोडक्ट्स 500 के अंदर ही में हैं। यस, यू हर्ड इट राइट। इसमें 30 वाइप्स है और ये मुझे पड़ा था 100 रुपीज़ का है, ये 109 का है। आह, द फ्रेग्रेंस इज सो फ्रेश। लेट्स क्लीन आर फेस फटाफट से, एंड इट्स सो सॉफ्ट ऑन स्किन। आप चाहो तो फेस वॉश भी कर सकते हो, बट मैं फेस वॉश करने में थोड़ी सी लेजी हूँ। यस, और इसमें ये भी लिखा है कि ये स्किन को हाइड्रेट करेगा एंड यू कैन सी द ग्लो। टोनिंग के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ प्लम का टोनर। ओके, एंड दिस इज फ्रॉम प्लम। पचका हो गया, रोज वाटर को राइस पड़ रही थी मैं। वाओ, अब हम इसको स्किन में घुसने देंगे, ठीक है, जाने देंगे। जाओ भाई तुम स्किन में। फॉर मॉइस्चराइजर अभी मैं पॉन्ड्स का कोल्ड क्रीम ही यूज़ कर रही हूँ, यही मुझे अच्छा लग रहा है। बहुत ज़्यादा हम अप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि अब इसको भी स्किन में थोड़ा सा बैठने देते हैं। तब तक मैं आपसे कुछ बातें करती हूँ। मैं देख रही हूँ कि मेरे लॉन्ग वीडियो पे भी उतना व्यूज़ नहीं जा रहा है, लाइक 150-200, बस इससे ज़्यादा बढ़ ही नहीं रहा है। सपोर्ट दिखाओ यार, मोटिवेशन की बहुत ज़रूरत है मुझे, इसीलिए। अब हम करेंगे कलर करेक्टिंग। तो फॉर कलर करेक्टिंग आई हैव दिस विच इज़ फ्रॉम मार्स कवर रेंजर ऑल इन वन पैलेट। देखो इसमें बहुत प्यारे प्यारे और बहुत सारे शेड्स। आप डार्क भी ले सकते हो और अपने स्किन टोन का भी ले सकते हो, तो मैं दोनों मिक्स करके लगा रही हूँ। मेरे पास है शेड नंबर 04 और इसका कवरेज फुल है, यू कैन सी ऑलरेडी। तो कलर करेक्टिंग के लिए आप डार्क भी ले सकते हो, अपने स्किन टोन का भी ले सकते हो, या फिर ऑरेंज भी ले सकते हो। इसके बाद हम अप्लाई करेंगे फाउंडेशन। तो फाउंडेशन के लिए है मेरे पास न्यू फाउंडेशन, ये क्योंकि मैंने अभी अभी नया नया मंगवाया है। ये है मेरे पास फाउंडेशन फ्रॉम मार्स। मेरे पास दो शेड हैं, जो कि एक बहुत ही लाइट है और एक बहुत ही डार्क है। क्योंकि हम मेकअप आर्टिस्ट हैं तो हम एक शेड नहीं लेते हैं, हम हमेशा दो ही लेते हैं, डार्क और लाइट, या फिर तीन लेते हैं, डार्क, लाइट एंड मीडियम। सो या इन दो शेड्स को मिक्स करके हम अपने शेड का बनाएंगे। अच्छा, बाय द वे मैं बताना भूल गई कि आप कह रहे हो गए ये हैप्पी बर्थडे वाला क्यों लगा के रखी है बैकग्राउंड। सो दिस इज़ माई, मैंने इसीलिए लगाया है क्योंकि अभी मेरा चल रहा है बर्थडे मंथ, सो इसीलिए मैंने बैकग्राउंड को थोड़ा सा बर्थडे वाला लुक दिया है। वाओ, ब्यूटी ब्लेंडर इज़ फ्रॉम स्टेज बाय द वे, एंड यू कैन सी इट्स अ फुल कवरेज, ठीक है। हमेशा ना प्रोडक्ट को इस तरह से स्प्रेड करके ही लगाया करो, इससे होगा ये कि आपको ब्लेंड करने में आसानी होगी। नहीं तो अगर डॉट डॉट करके लगाओगे ना, तो जिस जगह पे डॉट करोगे उस जगह पे वो पैच छोड़ के चला जाएगा, और फिर उसको ब्लेंड करते रहो बैठ के। गला भी तो तुम्हारा ही है ना, तो गले को मत भूलना। मैं ना या तो काम छोड़ के बात करती हूँ या फिर बात ही नहीं करती हूँ, क्योंकि काम के वक्त मुझसे बात नहीं होता। लाइक एक बार में दो काम मैं कर ही नहीं पाती, क्योंकि उस टाइम मेरा दिमाग ही नहीं काम करता, अब मैं बोलूँ क्या। बट वहीं मैं स्टॉप हो जाती हूँ तो मेरे दिमाग में सब चलने लगता है। दैट्स वेरी वियर्ड, आई नो। अब हम करते हैं हाइलाइटिंग, ठीक है। सो फॉर हाइलाइटिंग आई एम यूजिंग द सेम पैलेट फ्रॉम मार्स कवर रेंजर। इसमें है लाइट शेड, हम उससे करेंगे। द प्रोडक्ट इज़ सो गुड, मैं तो हमेशा अपने वीडियोज़ में तारीफ करती हूँ इस प्रोडक्ट का। दिस इज सो गुड। उसी को आँख के ऊपर भी लेके चल जाओ एंड ब्लेंड कर दो। देखो एक बात याद रखना, कोई भी प्रोडक्ट को ओवर ब्लेंडिंग नहीं करना है, वरना उसके जो नीचे प्रोडक्ट है
वो भी हिल जाएगा और ऐसे ही आपका बेस केकी और ग्रे हो जाता है। तो ब्लश भी हम इसी से लेंगे क्योंकि इसमें बहुत ही प्यारे 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 शेड्स हैं। ओके, सो फॉर ब्लश आई एम टेकिंग दिस वन। ठीक है, अब हम करेंगे कंटोरिंग। ठीक है, कंटोरिंग करेंगे। तो ये है मेरे पास मार्स का एगोरी कंचार पैलेट। इसमें बड़े सारे शेड हैं पर ये बहुत टाइम से पड़ा हुआ है। तो हम टेकिंग द डार्केस्ट वन। फोरहेड पे करने का ना मेरा दो रीज़न है। एक तो मेरा यहाँ पे थोड़ा सा हॉलो एरिया है और प्लस जो प्रोडक्ट बाल पे लग जाते हैं ना वो ब्लेंड हो जाएंगे अच्छे। ठीक है, और यू कैन सी मैंने बहुत ज़्यादा कॉन्टोरिंग नहीं किया है। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। और नेक्स्ट स्टेप होता है हमारा फेस सेटिंग। आप एक फिक्सर मार लो अपने फेस लो। तो फिक्सर मैं यूज़ कर रही हूँ एमएलए का, जैसे मैंने बोला कि मेरे पास मार्स का नहीं है, है बट उसमें मैंने पानी भर रखा है क्योंकि वो ख़त्म हो गया है। अच्छा है, मार्स का सील द डील यू कैन बाय, बट आई डोंट हैव, सो क्या कर सकते हैं। तो मैं फिक्सर यूज़ कर रही हूँ। सेटिंग स्प्रे, दिस इज़ इनफ। तो जैसे कि आपको पता है हमारा छठ चल रहा है तो ये एक तरह का फेस्टिव लुक भी हो जाएगा। तो अब हम करते हैं फटाफट से पाउडर सेटिंग। तो पाउडर सेटिंग के लिए मेरे पास दो पाउडर, लूज पाउडर विच इज़ फ्रॉम मार्स। तो एक येलो पाउडर है और एक वाइट पाउडर है, तो मैं वाइट यूज़ कर रही हूँ। तो बिफोर सेटिंग आँखों के नीचे ना क्रीजेस को ज़रूर ब्लेंड कर दिया करो और अच्छे से सेट कर दो। अब गले भी तो तुम्हारा ही है, तुम्हारे पड़ोसी का नहीं, तो उसको भी सेट करना ही करना। इसको कहते हैं बेकिंग। ये जब तक हो रहा है तब तक हम फटाफट से करते हैं आईब्रो। तो आईब्रो के लिए मेरे पास आईब्रो पोमेड्स विच आर फ्रॉम मार्स और क्यूट से ब्रशेस जो कि मार्स के ही हैं। आप देखो कितने प्यारे हैं ना, मुझे इनके साथ मिले। ओके, तो हम यूज़ करेंगे ब्राउन वाला। देखो इस तरह से करना है। आईब्रोज आर डन। तो अब हम फटाफट से अपने आईज के नीचे जो भी एक्स्ट्रा प्रोडक्ट है उसको डस्ट ऑफ कर देंगे। ठीक है, अब हम एक बार और फिक्सर मारेंगे क्योंकि हमारी स्किन हो गई है थोड़ी सी डिहाइड्रेट। देखो फिक्सर नहीं, सेटिंग स्प्रे पहली बात। और सेटिंग स्प्रे नहीं है तो आप अपना नॉर्मल टोनर भी मार सकते हो। नॉर्मल टोनर में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो। जो सेटिंग स्प्रे होता है उसमें थोड़ा सा अल्कोहल होता है तो वो आपके बेस को हल्का सेट भी कर देगा। ओके गाइस, सो फॉर आई शेडो आई हैव मार्स का आई शेडो पैलेट, मेरे पास यही। तो सबसे पहले हम ट्रांजिशन शेड अप्लाई करेंगे। हम यूज़ करेंगे सबसे लाइटेस्ट शेड, तो आई एम टेकिंग दिस शेड राइट हेयर। इसको हल्का सा डार्क करना है इसे। इनके शेड्स अच्छे हैं। Taking the green one at the corner to intense the shades, थोड़ा सा डार्क पिंक लेंगे उसी पे वाले शेड। हाँ, ये वाले शेड को लिया है और सेम कॉर्नर ऑफ द आईज पे ब्लेंड करते हुए हम उसको आगे लेके आ रहे हैं। तो आई एम टेकिंग ग्रीन वन एट द लोअर ऑफ माई आईज। इसमें हम ले रहे हैं ये पर्पल वाला शेड और उसके नीचे ब्लेंड कर रहे हैं। ओके, आई एम टेकिंग दिस शेड राइट हेयर। मैंने जब से इस पैलेट को लिया ना तब से ये पड़ा ही हुआ है। ठीक है ठीक है, दो चीज़ मिस कर दिया मेरे फ़ोन ने। तो मैंने यूज़ किया था ये दो शेड्स विच आर फ्रॉम मार्स। ठीक है, ये दो हैं। उसके बाद आई यूज्ड ग्लिटर्स विच इज़ फ्रॉम मार्स। ये दो शेड्स को अपने आईज पे प्लेस किया, यू कैन क्लियरली सी विच इज़ सो गॉर्जियस। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप। जेल लाइनर यूज़ कर रही हूँ ब्लैक में। जेल लाइनर इज़ मोर बेटर देन लिक्विड लाइनर क्योंकि इस पर आपके एक बार हाथ बैठ गया ना तो आप प्रो बन जाओगे, प्रो। अब हम लगाएंगे न्यूड काजल। तो मेरे पास न्यूड काजल वैसा है नहीं तो मैं लिप पैलेट यूज़ कर रही हूँ मार्स का। ठीक है, इसमें बहुत सारे शेड हैं तो इसमें जो न्यूड शेड है ना उसको मैं अपने आईज़ के अंदर प्लेस करूँगी। लेट्स कर्ल आर लैशेज। अब हम अप्लाई करेंगे
मस्कारा विच इज़ फ्रॉम मार्स, मार्स का फेब्यूलस मस्कारा है ये। और मैं कोई भी मस्कारा का ना एक लेयर नहीं लगाती हूँ, दो लेयर ही अप्लाई करती हूँ, बट मुझे इसका ना डबल लेयर का ज़रूरत नहीं पड़ता। तो हाइलाइटर के लिए मेरे पास मार्स का ग्लोजिल्ला पैलेट विच इज़ वेरी गुड, ये तो मेरा फेवरेट है, सबको पता ही है। आई एम यूजिंग दीज टू शेड्स जो कि मैं हमेशा यूज़ करती हूँ, एंड यू कैन सी द ग्लो, ओ माई गॉड द ग्लो इट गिविंग। एक बार और हम मेकअप सेटिंग स्प्रे मार लेंगे फटाफट से। हम करते हैं लिप्स, तो लिप्स के लिए मेरे पास मार्स का लिप लाइनर का पूरा सेट, सो वी आर यूजिंग दिस। और आज हम करेंगे न्यूड लिप्स क्योंकि मुझे न्यूड ही अच्छा लगता है। शेड 12 ब्राउन मोका, तो मेरे पास कोई वैसा लिपस्टिक है नहीं, तो मैंने ये मंगवाया था मार्स का इन्फिनिटी लिप पैलेट, तो हम इसी में से शेड्स लेंगे। इसके साथ एक ब्रश भी आता है, सी इट्स सो न्यूड। और हम लेंगे एक ब्राउन शेड, उसके बाद हम एक लेंगे पिंक शेड इनर ऑफ द लिप्स। इस तरह से हमने एक ब्यूटीफुल शेड्स बना लिया है इस लिप पैलेट से। इसका शेड नंबर 01 है और इसी तरह हमारा लुक कंप्लीट होता है। यू कैन सी मैंने कितना ब्यूटीफुल सा लुक क्रिएट किया है। एंड जैसा कि आप सबने देखा कि हमने फुल फेस ऑफ मार्स प्रोडक्ट से इतना प्यारा लुक कैसे क्रिएट किया, ये रहे मेरे पास सारे मार्स के प्रोडक्ट। एंड आई कांट बिलीव, ओ माई गॉड द लुक टर्नड आउट सो गुड एंड फ्लॉलेस, यू कैन सी। तो गाइज इन सब का प्रोडक्ट लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, अगर आपको इन सब में से कोई भी प्रोडक्ट खरीदना है तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन में जाके ले सकते हो। और ये वीडियो स्पॉन्सर नहीं है, मैंने इन सारे प्रोडक्ट को अपने पैसे से खरीदा है। मार्स के प्रोडक्ट एक्चुअली में बहुत ही अच्छे हैं जो कि हाई एंड ब्रांड्स को भी टक्कर दे सकते हैं। तो गाइज अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा तो डू लाइक डू शेयर एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, ताकि आपको ऐसे ही प्यारे प्यारे कंटेंट्स मेरे चैनल से मिलते रहें। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वंडरफुल टॉपिक के साथ। बाय बाय, लव यू ऑल।